हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आपके साथ यहां पे लेके आई हूं पॉलीनोमियल्स का क्लास 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है आरएस अग्रवाल की बुक का। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं मैं एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एंड यस, ये रही चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे आप चाहो तो देख सकते हो। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 6। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन ना देखे हों तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 2A, 2B एंड 2C हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, हमें आपको रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है। कब? जब आपका पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड होगा किससे? जी ऑफ एक्स से। वेयर? आपको देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है। तो ये समझते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिख लेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 2x³ - 9x² + x एंड देन + 15। और देखिए आपको जी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, ये गिवन है आपका 2x - 3। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करिए रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल होगा तो हमें क्या मिल जाएगी, देखिए वैल्यू 2x - 3 विल बी इक्वल टू जीरो एंड देन 2x विल बी इक्वल टू व्हाट, 3, क्योंकि आपका राइट साइड जाएगा। फिर देखिए हमें x क्या मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा 3/2। ये हमें यहाँ से x ऑप्टेंड हुआ है। अब हम इसका भी आगे फर्दर यूज करने वाले हैं जब हम अप्लाई करेंगे अपना रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि बाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या कहता है कि वेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, जब आपका पी ऑफ एक्स डिवाइड करा जाएगा जी ऑफ एक्स से, देन जो आपको वहां पे रिमाइंडर ऑप्टेंड होगा विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू पी ऑफ 3/2। ठीक है, इसका सेंस हमें क्या समझ में आया कि इसका सेंस क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो होता है आपका पी ऑफ एक्स, जो कि आपको मिलता कहाँ से है, जी ऑफ एक्स से, जो आपको एक्स मिलता है यही आपका ट्रीट होता है एज अ व्हाट, एज अ रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आपका ये तो आप समझिएगा, इसी चीज को हम यहाँ पे फर्दर लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर आपका इतना हो जाएगा। तो आपको इसमें समझ में क्या है, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि हेयर, यहाँ पे देखिए आप साफ साफ लिखेंगे कि वी पुट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 3/2, कहाँ पे, इन पी ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देन वी गेट, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2x³ है। अब देखिए मैं सीधे यहाँ पे लिखती हूँ 2x³ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप सीधे यहाँ पे लिखोगे कि जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर होगा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x³ है, तो लिखेंगे 2x की जगह 3/2 का होल क्यूब। फिर देखिए फिर आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, -9x² यस, या हम लिख लेंगे -9x² है तो लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स है तो +3/2, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे +15। आप चेक कर सकते हैं +x है +15। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का क्यूब आ जाएगा आपका 27, नीचे आपको हो जाएगा 8 और यहाँ आपको मिलेगा -9, मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 9/4 +3/2 एंड देन +15। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आप चाहो तो यहाँ पे कट कर सकते हो, तो देखिए 2 × 2 = 8, तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया 27/4। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं 27/4 और यहाँ पर मिल जाएगा 9 × 9 = 81/4 एंड देन यहाँ पे +3/2 एंड देन +15। अब अगर हम चाहें तो इन सब का एलसीएम मिल सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे एलसीएम दिख जाएगा 4, तो ये तो एज इट इज रहेगा 27 - 81, यहाँ हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ ऊपर कितना मिल जाएगा +6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15 से आपको जाता है 60। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट के लिए अब आप फिर से आप फर्दर यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए हमें मिल जाएगा -27 है और ये आपका है सॉरी प्लस
तो 27 है माइनस 31 है, तो मतलब कि नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर आप जैसे कैरी करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 7, तो आपको मिल जाएगा 54, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस 66 वैल्यू, ठीक है, अपॉन 4। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब हम इसे करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू कितनी मिल जाएगी, या 2 यहाँ से मिल जाएगा हमको, और मिल जाएगा दिस, तो प्लस 12/3, दैट इज कितना जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हुआ है बाय द रिमाइंडर थ्योरम इज व्हाट, इज 3। सो वी कैन राइट इजिली कि सो रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज व्हाट, इज 3। ओके, एंड दिस विल बी आवर कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है अपने रिमाइंडर थ्योरम को, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का जो मेथड है ये आपका देखा जाए तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जब हम अप्लाई यहाँ पे करते हैं डिवीजन मेथड तो वो हमारे लिए काफी लॉन्ग होता है, ठीक है, बट आपको जो रिमाइंडर थ्योरम मेथड है ये आपको काफी इजी वे में समझ में आ जाता है। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, होप्स आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड यस, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, एंड यस, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, एंड यस, आपको जो मैंने आपका कंटेंट आपको अभी आपको समझाया है, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक क्वेश्चंस का आपको हर एक वीडियो के नीचे लिंक मिल जाता है बहुत इजीली, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी है, मैं अब हर एक एक्सरसाइज का भी आपको सिंगल से यहाँ पे पीडीएफ दे रही हूँ, जिसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजिली मर्ज है। ओके, एंड यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, एंड इंस्टा पे, लिंक आपको इन सबका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपडेट कर देती हूँ, जो भी आपको लेटेस्ट यहाँ पर मिलता रहता है, और आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बहुत इजिली। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।